हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित घरचा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज हम बात करने वाले हमारे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फूड सेफ्टी आपके खान पान से रिलेटेड जो सेफ्टी है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आती है बच्चे और रिपोर्ट कौन देता है आपका एफ एस एस ए आई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है द फूड सेफ्टी इंडेक्स है ना द फूड सेफ्टी इंडेक्स जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं बच्चे इसमें सिर्फ बेसिकली आ, अच्छा खाना ही नहीं है इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फूड सेफ्टी के फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप चाहते हो कि जो स्ट्रीट फूड बिक रहा है है ना वो हाइजीनिक हो जाए तो एक तो आपका मेथड होगा कि आप उस बंदे को हाइजीन के बारे में अवेयर करवाना शुरू कर दोगे और ये बेसिक बेसिक मेथड है आप कंज्यूमर को अवेयर कर दोगे कि यार आप डिमांड करो कि हाइजीन होना चाहिए हाइजीन यहाँ पे होनी चाहिए इसके अलावा हमारे पास ना सरकारी तौर पे कुछ कुछ और मैंडेट्स भी हैं हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं दैट इज़ की एक लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है कि फूड वेंडर को लाइसेंस दिया जाता है जब लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और इस वजह से उसके ऊपर चेक भी रखा जा सकता है so सो ये सारे तरीके हैं आपकी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अगर कोई खाना खराब है है ना तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है अगर ऑफिसर ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप कंप्लेंट किसको करोगे चलो फूड सेफ्टी ऑफिसर आ गया है ना वो अपॉइंटेड है फूड सेफ्टी ऑफिसर आ गया और वो क्या करेगा खाने का वो सूंघ सुनकर थोड़ी बताएगा कि खाना ठीक है या नहीं उसके लिए लैब्स चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में लैब्स होनी चाहिए आपके लोकल एरिया में लैब होनी चाहिए जहाँ पे फूड टेस्ट किया जा सकता है कि ये फूड ठीक है या नहीं है है ना तभी आप फर्दर एक्शन ले सकते हो तभी आप फर्दर कंप्लाइंट्स की जो कंप्लेंट्स है उसको फॉरवर्ड कर, कर सकते हो ये सब चीज़ें कर सकते हो राइट सो so, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये फूड सेफ्टी के अंदर आता है फूड सेफ्टी सिर्फ साफ खाना या साफ रेडी तक सीमित तो नहीं है है ना इसके बहुत वाइड एम्बिट है आज हम वही देखने वाले हैं बच्चे एक आपको सबसे पहले याद रखना है कि द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इट इज गिवन बाय एफ तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना बहुत इजी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोल देगा मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर बोल देगा कि वो देती देते रिपोर्ट और सारे चार ऑप्शन वो इतने खतरनाक दे सकता है कि चारों ही आपको बहुत ज्यादा ऐसे वैलिड से लगेंगे कि हाँ यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कौन देता है एफ इस बार जो प्री के अंदर आपको सवाल जो आ सकता है कि नया पैरामीटर कौन सा जुड़ा है क्योंकि पिछली बार में किसने है? वो भी एक पैरामीटर बन गया तो उसकी ऑटोमेटिकली और इंप्रूवमेंट होगी फन फैक्ट इसके अंदर सिर्फ एक ही जो स्टेट है उसने अच्छा परफॉर्म किया पर्टिकुलर पैरामीटर में दैट इज पंजाब राइट आइए बच्चे आगे चलते हैं पैरामीटर है ना ये एक डायनेमिक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्क है जैसे मैंने आपको बताया कि खाना जैसे मेजर करने के लिए तो आपके पास में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजर्स होने चाहिए तो कोई भी इंडेक्स जो होता है वो एक्चुअली में यही करना चाह रहा होता है अब एक प्लेस साफ है दूसरी प्लेस उससे ज्यादा साफ है है ना तो अब ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया वी नीड टू क्वांटिफाई इट है ना तो वैसे ही सारे इंडेक्सेस जो हैं वो क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना ही पड़ता है दैट दैट इज इज आप इंडेक्स बनाओगे यू कैन कंपेयर कि ये पहले के मुकाबले कैसा हो गया है अब है ना <coughs> आइए बच्चे देखते हैं क्या करता है ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बेंच मार्क मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर फॉरूएटिंग फूड सेफ्टी अक्रॉस ऑल यूटीज एंड स्टेट्स ठीक है जी तीन कैटेगरीज के, के अंदर स्टेट्स यूटीज को क्लासिफाई किया हुआ है दैट इज नेमली लार्ज स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज आपकी लार्ज स्टेट जैसे आपका महाराष्ट्र है ना मध्य प्रदेश यह आपकी लार्ज स्टेट्स में आ गया स्मॉल स्टेट्स में आपकी गोवा सिक्किम टाइप स्टेट्स आ गई हैं है ना और इसके अलावा आपको यूटीज़ तो पता ही है, है ना यूटीज चंडीगढ़ और ये सब चंडीगढ़ आई थिंक रैंक सेकेंड आया यूटीज़ के अंदर है ना तो तीन कैटेगरीज के अंदर इसमें डिवाइड किया हुआ है ये भी आपको प्री के अंदर जो है हो सकता है सवाल आए हो सकता है ना आए पर ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए है ना बच्चे आइए बच्चे तो क्या करते हैं पांच बेसिक पैरामीटर्स हैं इसके विद डिफरेंट वेटेजेस कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा कंप्लायंस ह्यूमन अभी ये सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी स्लो करनी पड़े कंप्लायंस फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंज्यूमर एम्पावरमेंट ठीक है जी इसके अलावा एक और पैरामीटर कौन सा था जो नया एड हुआ दैट इज इंप्रूवमेंट इन दी एस एफ एस आई रैंक ठीक है बच्चे यहाँ पे लिखा भी हुआ है आइए बच्चे एक एक पैरामीटर को देखते हैं फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद ट्रेंड पर्सनल वो भी आपका इंफ्रा के अंदर ही आएगा बच्चे ठीक है बच्चे दिस हैज हैज ऑब्जर्व गिवन द फोर्थ हाईएस्ट वेटेज ऑफ ठीक है जी ये इसकी सेवेंटीन परसेंट फोर्थ फोर्थ नंबर पर वेटेज आता है, है बोथ गुजरात एंड केरला वर दी बेस्ट परफॉर्मर्स इनका इन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है कंप्लायंस कंप्लायंस मेजर्स दी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जैसे मैं आपको बोल रहा था लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दोगे तो बेटर होगा है ना और इसके अलावा जो दैट इज द नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर एम्पावरमेंट गिवन द सेकंड हाईएस्ट वेटेज ऑफ 19 परसेंट इट एनश्योर स्टेट्स परफॉर्मेंस इन वेरियस कंज्यूमर एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स जैसे कि आपका भोग है ना ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड इसके अलावा ईट राइट इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन ये सारा आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट के अंदर आता है है ना बच्चे टॉप परफॉर्मर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आप चाहें तो स्टॉप करके इसको देख सकते हैं

if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.